दोस्तों बिहार राज्य में अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होने जा रही है। स्क्रीन पर सामने आप लोग आज का ही समाचार पत्र देख सकते हैं जो कि पटना से प्रकाशित हुआ है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट किया गया कि 2,57,000 शिक्षकों की होगी बहाली। अगर बात करें हम लोग माध्यमिक शिक्षा को लेकर के तो माध्यमिक शिक्षा में करीब 1,20,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी, ठीक है। यानी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,20,000 शिक्षकों की नई भर्तियाँ होंगी। अगर हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्राइमरी की बात करें, तो 80,257 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली मतलब भर्ती होगी। तो जो भी अभ्यर्थी बिहार राज्य से, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग जानते होंगे कि बिहार में 7वें फेज के तहत ये भर्तियाँ हो रही हैं और भी इसका ऐलान हाल ही में किया गया था। अब यहाँ पर एक न्यूज आपने ये भी सुना होगा कि बिहार में बिहार की तरफ से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वो बंद कर दिया गया है। केवल सीटेट वाले अभ्यर्थी ही वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे क्योंकि बिहार टेट एक तरीके से बंद कर दिया गया है कुछ दिन के लिए। तो अभी ये जो भर्तियाँ हैं प्रारंभिक शिक्षक भर्ती वाली यानी प्राथमिक शिक्षक की, ये यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो आगामी सीटेट होगा उसके बाद ही ये भर्तियाँ होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 सितंबर आज की ही अपडेट है, पटना से दैनिक भास्कर की अपडेट है कि सीटेट रिजल्ट के बाद ही आएगी शिक्षकों की वैकेंसी। अभी आप लोग जानते हैं सीटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। लास्ट सितंबर या अक्टूबर में सीटेट के लिए आवेदन होंगे और दिसंबर में इसका जो एग्जाम है वो होगा और जनवरी मिडल तक या लास्ट तक इसका जो रिजल्ट है वो आएगा। और इस वजह से वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती होगी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, ठीक है, इसके अंतर्गत 1 से 5 तक करीब 76,000 शिक्षकों की भर्तियाँ होनी है और जूनियर में 6 से 8 तक करीब 23,500 शिक्षकों की भर्तियाँ होनी है। दोनों को मिलाकर के 80,000 के ऊपर भर्तियाँ हैं। तो ये जो 80,000 भर्तियाँ हैं इनका विज्ञापन आपको सीटेट के बाद ही देखने को मिलेगा और पहले जो विज्ञापन है वो आपका आएगा माध्यमिक वाला, ठीक है। माध्यमिक मतलब पीजीटी की जो भर्तियां होंगी। तो यहाँ पर देखिए डेडलाइन भी दे दी गई है कि कब तक ये भर्तियां आएंगी, पूरा कार्यक्रम भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए पूरी समय सारणी जारी की गई है कि केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन। 30 सितंबर लास्ट डेट रहेगी आपके शिक्षक नियोजन पोर्टल के निर्माण की। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। 30 नवंबर तक रिक्ति का निकाय व रोस्टर अनुमोदन होगा और 15 दिसंबर तक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो पद के लिए विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि 15 दिसंबर तक विज्ञापन आने की बात कही गई है। साथ में जो विज्ञापन 15 दिसंबर तक आएगा टीजीटी पीजीटी का, उसमें से जो नियुक्ति होगी वो देखिए नियुक्ति पत्र का वितरण 31 मार्च 2023 तक हो जाएगा, यानी 3.5 महीने में आवेदन प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी और नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए जाएंगे। हालांकि 3.5 महीने में इतनी बड़ी भर्ती को कंप्लीट करना एक बड़ा काम है, लेकिन जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अनुसार मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत विलम्ब भी हो जाए। और जब टीजीटी पीजीटी माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी आएगी प्रारंभिक शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी और जूनियर की भर्ती, जिसमें 80,000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा 7 अप्रैल 2023 को आपका प्रारंभिक शिक्षक पद के नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाएगा और प्रारंभिक शिक्षकों की जो भर्तियाँ होंगी ये भर्तियाँ हर हाल में 31 जुलाई तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। यानी अप्रैल में विज्ञापन आएगा तो अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4 महीने में आपकी प्राइमरी और जूनियर की भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक टेंटेटिव समय सारणी है, इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। अगर आप बिहार राज्य से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोगों के लिए बता दें कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर आप इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहते हैं तो एक तरीके से हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। हाई कोर्ट में आप लोग रिट डाल करके इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के आदेश पर। तो देखा जाए तो अभी तो ऐसे भी एलिजिबल नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें सम्मिलित होने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा जरूर ले सकते हैं, इन भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उत्तर प्रदेश में अभी कोई भर्ती फिलहाल प्राइमरी की आने वाली नहीं है, तब तक आपको वैसे भी इंतजार करना, अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत जाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको
आवेदन करने का मौका मिल जाए। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जरूर शेयर की जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।